अस्सलाम वालेकुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स, आज आपका भाई हाज़िर हुआ जी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो ऐसे है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ। बट आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि जो ऐसे है उसमें जो मटेरियल लिखा गया है वो किस हद तक रिच है, ठीक है? रिच ऑफ नॉलेज, रिच ऑफ फैक्ट्स, रिच ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, कोई एक पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ मैं आप लोगों के सामने रीड करूँगा और आप लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है? तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ऐसे का बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो आए जी चलते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो जिससे जी आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा, आप लोगों की जो स्ट्रेटजी है उसमें इजाफ़ा होगा और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो आइए जी चलते हैं। तो ये जो आउटलाइंस हैं ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने डिस्कस कर दी हैं आप लोगों के साथ। तो ये जी इंट्रोडक्शन है, ये जी बॉडी पैराग्राफ है। तो कोई एक पढ़ते हैं, तो कौन सा पढ़ा जाए? तो ये सामने वाला पढ़ते हैं, ये जो नीचे है एग्रीकल्चर वाला। तो देखते हैं जो मैंने कंटेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ जो है वो उसको जस्टिफाई करता है या नहीं, ठीक है? तो पढ़ता हूँ मैं, आप लोग सुनेंगे। तो एग्रीकल्चरल यील्ड हैज श्रिंक्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है? शॉर्ट सेंटेंस है और जो है वो ये की सेंटेंस है, ठीक है? टॉपिक सेंटेंस। तो आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स 26% ऑफ GDP, ठीक है? ये फैक्ट आ गया कि जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान में जीडीपी को 26% जो है उसका शेयर है, ठीक है? लिवलीहुड ऑफ अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है? कि हमारे मुल्क की आधी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है? मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इन ए कंट्री इज़ यूज फॉर इरीगेशन पर्पज़, के हमारे मुल्क में जो का पानी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है वो हम जो हैं एग्रीकल्चर को सराब करने में, इरीगेट करने में यूज़ करते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड पाकिस्तान यूजिज 93% ऑफ इट्स फ्रेश वाटर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है? रिसर्च से पता चला है कि हम अपने फ्रेश वाटर का 93% फ्रेश पानी एग्रीकल्चर को इरीगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ताहम हाउएवर पाकिस्तान्स वाटर अवेलेबिलिटी इज़ श्रिंकिंग एंड डिमांड इज़ इंक्रीजिंग, हमारे मुल्क में पानी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और पानी की मकदार कम हो रही है, ठीक है? अबाउट 40% ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड ड्यू टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, हमारे मुल्क में 40% जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है क्योंकि हमारे जो इरीगेशन मेथड हैं वो पुराने, हम ड्रिप इरीगेशन यूज़ नहीं करते, स्प्रिंकलर यूज़ नहीं करते, ठीक है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट of the United Nations, Pakistan is at 7th number in those countries which are countering agricultural crisis due to water shortages, ठीक है? पाकिस्तान 7वें नंबर पे है उन मुल्कों में जो agricultural crisis face कर रहे हैं पानी की कमी की वजह से। So 20% of agricultural productivity हैज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो 20% तक कम हो गई है पानी की कमी की वजह से। ये जी एक बंदा है, इकरा अहमद खान, जिसने बुक लिखी है, रोटा बुक डेवलपिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, ठीक है? इसमें इसने बताया जी, शी एक्सप्लेन्स डैट एग्रीकल्चर हैज़ इफेक्टेड बैडली इन पाकिस्तान ड्यू टू वाटर क्राइसिस, ठीक है? पानी की वजह से एग्रीकल्चर इफेक्ट हुई है। सो रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल यील्ड्स 15% ऑफ पीपल हैव
lost their employment के उसकी वजह से 15% लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं जॉब के वजह से। तो जी आगे चलते हैं कंक्लूडिंग लाइंस की तरफ। इट हैज़ बीन एनालाइज्ड ड्यू टू वाटर क्राइसिस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ श्रिंक्ड इन पाकिस्तान। तो ये था जी बॉडी पैराग्राफ और ये इसकी कंक्लूडिंग लाइन। हमने जी टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट किया और कंक्लूडिंग लाइन तक हम एग्रीकल्चर यील्ड पे हमने पूरा पैराग्राफ लिखा है। वाटर क्राइसिस की वजह से जो एग्रीकल्चर यील्ड की रिडक्शन हुई है उस पे, और आपने देखा हम शुरू से एंड तक एग्रीकल्चर रिडक्शन पे ही, यील्ड की रिडक्शन पे ही स्टिक रहे। हमने उसके बारे में फैक्ट्स बताए, उसके बारे में बुक्स बताई, उसके बारे में रिपोर्ट्स बताई, उसके बारे में जो नॉलेज था हमने लिखा। तो ये एक खूबसूरत पैराग्राफ था, ये एक आर्ट है पैराग्राफ की, यानी कि टॉपिक सेंटेंस से शुरू करना है और कंक्लूडिंग लाइन तक, ठीक है। तो पूरा पैराग्राफ अपने आप में एक एसे की तरह होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पैराग्राफ अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएंगी और आप लोगों को मज़ीद जो है इस बारे में बताया जाएगा कि आप आगे किस तरह अपनी चीज़ों को लेके चलें। तो जी थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।